नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राहुल ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। 3 मिनट 38 सेकंड के वीडियो में उन्होंने मोदी सरकार के कई नीतियों पर सवाल उठाए, साथ ही पहले के यूपीए सरकार की जमकर तारीफ भी की। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, एक के बाद एक कंपनियां बंद होती गई, यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। तब यूपीए की सरकार थी। मैं प्रधानमंत्री के पास गया था और मैंने उनसे पूछा था कि मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा कि राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्था है, पहली असंगठित और दूसरी संगठित। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां हैं, असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनियां हैं। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन पर आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। इसके 3 बड़े उदाहरण हैं: नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। राहुल गांधी ने कहा कि आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं है, ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट में लॉकडाउन कर दिया गया। इन तीनों का लक्ष्य हमारे असंगठित क्षेत्र को खत्म करने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है तो मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया मार्केटिंग 15 से 20 लोग करते हैं, असंगठित क्षेत्रों में पैसा है लाखों करोड़ रुपए, इसको ये लोग छू नहीं सकते, इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन असंगठित क्षेत्र खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। इसके आगे राहुल ने कहा कि आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। राहुल गांधी वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 40 सालों में पहली बार भारी मंदी में है, असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई वीडियो जारी कर चुके हैं, इस कोरोना काल में सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए वे लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वीडियो सीरीज से राहुल गांधी अलग अलग प्रांत के लोगों से बात करते हैं और समस्याओं के समाधान पर विचार करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।